तो ये बात जहन से निकाल दें कि थ्रॉटल का ये जो पैसा घुमाने से इसकी टाइमिंग आउट हो जाती है या कुछ और हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये आप देख सकते हैं करोला की इलेक्ट्रिक थ्रॉटल खुली हुई है। इसे निकाल के मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, ये थ्रॉटल चौक हुई पड़ी है। इसे क्लीन करते हैं और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसे क्लीन करते वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए। जी तो दोस्तों, थ्रॉटल क्लीनर मंगवा लिया मैंने नासा कंपनी का। इससे थ्रॉटल को वॉश करते हैं। ये अच्छी कंपनी का क्लीनर, इससे थ्रॉटल की क्लीनिंग अच्छी तरह से हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इस क्लीनर से खुद ही जो इसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है वो खुद ही उतरती जा रही है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ एक और बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि थ्रॉटल का जो पैसा होता है इसे घुमाने से थ्रॉटल की जो टाइमिंग है वो आउट हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भी मैं आपके सामने इसका पैसा घुमाऊंगा और इसे ब्रश के साथ साफ़ करूंगा। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनमें थ्रॉटल को क्लीन करने के बाद उनको रीसेट करना पड़ता है स्कैनर के साथ, लेकिन टोयोटा की जो ज़्यादातर गाड़ियाँ उनमें थ्रॉटल को क्लीन करने के बाद रीसेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ज़्यादातर जापानी गाड़ियों और होंडा की गाड़ियों में ये रीसेट करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसका पैसा जो है वो घुमा के इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो ये बात जहन से निकाल दें कि थ्रॉटल का ये जो पैसा घुमाने से इसकी टाइमिंग आउट हो जाती है या कुछ और हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ की एहतियात करनी है, वो ये कि आपने पैसे को बार बार नहीं घुमाना, एक ही बार आपने उसको आराम से घुमाएं और अपना साफ़ करके उसे वापस आराम से अपनी जगह पर छोड़ दें, इसको ज़ोर से नहीं घुमाना। तो इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है और बाकी कुछ भी नहीं होता। जी तो दोस्तों, थ्रॉटल क्लीन हो गई है, ये आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।